फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम डेट जो कि अनाउंस कर दिया गया है और इसका एग्ज़ाम जो है 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को जो कि लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को मालूम होगा कि जो सचिवालय का एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें पेपर 3 में टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। 150 प्रश्नों में से आपका 40 प्रश्न जो है कि झारखंड जीके का रहने वाला है और यहाँ पे झारखंड जीके का बहुत बड़ा रोल जो है कि यहाँ पे इस एग्ज़ाम में रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग की तैयारी जो है कि अच्छे तरह से चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से झारखंड जीके का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी प्रश्न रहेंगे सभी अच्छे लेवल के रहेंगे और यहाँ पे सभी प्रश्नों का डिस्कशन भी जो है कि यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से किया जाएगा। तो फ्रेंड्स तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं आपके पास ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी झारखंड जो है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें तो इसका जो भौगोलिक स्थिति है वह 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड तक इसका उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट, ठीक है 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और यहाँ पे राज्य का विस्तार में और भी बात करें इसकी लंबाई के बारे में तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है जैसे यहाँ पे पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें, ईस्ट से वेस्ट की तरफ यदि हम बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वह 463 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें यहाँ पे तो इसका जो टोटल लंबाई है वह 380 किलोमीटर है। ठीक है याद रखेंगे इसकी राजधानी रांची और उपराजधानी जो है वह दुमका है। ठीक है चलिए यहाँ पे इसका क्षेत्रफल भी आप लोग को मालूम होगा 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है कि इसका क्षेत्रफल है, टोटल क्षेत्रफल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। यानी रांची और हजारीबाग के पठार के किनारे जो अवस्थित बाह्य पठार है उसकी निम्न पठार की औसत ऊंचाई पूछा जा रहा है। इसका जो औसत ऊंचाई है वह 300 से 450 मीटर, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है, यानी झारखंड का औसत वार्षिक तापमान की बात करें यहाँ पे तो यह 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यानी कि औसत वार्षिक तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। और झारखंड में सबसे गर्म महीना जो होता है वह मई जो है यह सबसे गर्म महीना होता है झारखंड में, ठीक है ना याद रखेंगे इसका जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में कितना है। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता दें दामोदर नदी की कुल लंबाई जो है वह 592 किलोमीटर है, लेकिन इसमें से झारखंड में जो इसकी लंबाई होती है वह 290 किलोमीटर, ठीक है यानी 290 किलोमीटर में जो है 90 किलोमीटर झारखंड में यह तय करती है। इसकी जो झारखंड में जो लंबाई है वह 290 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दामोदर नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स के बारे में आप लोग को जानकारी होना चाहिए जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे इसका उद्गम के बारे में याद रखना होगा कि इसका उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो टोरी से इसका उद्गम होता है। टोरी जो कि झारखंड के लातेहार जिला में एक जगह है टोरी, वहीं से दामोदर नदी का जो है कि उद्गम होता है। ठीक है इसका जो अन्य नाम है दामोदर नदी का अन्य नाम में याद रखेंगे एक होता है देव नदी और एक जो होता है बंगाल का शोक, यानी कि देव नदी और बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी जो है
यह झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी भी है। ठीक है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी झारखंड की जो है वह कौन सी है? दामोदर नदी है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें से आप याद रखेंगे बराकर, ठीक है, बराकर इसकी सहायक नदियां हो गई। बराकर के बाद इसका हो जाएगा जमुनिया, ठीक है, बराकर उसके बाद याद रखेंगे जमुनिया, जमुनिया के बाद याद रखेंगे भेड़ा, ठीक है ना, जमुनिया हो गया, भेड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे कोनार, ठीक है, क्या हो गया कोनार, ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है? तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ऑप्शन है बोकारो दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह, चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो देख रहे हैं तीनों ऑप्शन, बोकारो हो गया आपका, दुर्गापुर तापीय विद्युत गृह और चंद्रपुरा तापीय विद्युत गृह, ये सभी जो है दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है, ठीक है ना, दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे सदनी घाग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सदनी घाग जो कि गुमला जिला में है आप लोग को मालूम होना चाहिए, और यह जो गुमला जिला में सदनी घाग जलप्रपात है वह शंख नदी पर है। कौन से नदी पर? तो शंख नदी पर जो है कि यह सदनी घाग जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई की बात करें यहाँ पे तो 60 मीटर है, या फिर फीट में अगर देखेंगे तो 200 फीट जो है कि लगभग इसकी ऊंचाई है, ठीक है ना। सदनी घाग जलप्रपात कौन से नदी पर है? तो शंख नदी पर। और डिस्ट्रिक्ट की बात करें कौन से जिला में है? तो याद रखना है आप लोग को गुमला जिला में। फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि जो स्वर्णरेखा यहाँ पे देख रहे हैं इस पे स्वर्णरेखा नदी जो है इस पे भी एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए। यह हुंडरू जलप्रपात जो है यह झारखंड के रांची जिला में है, और यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जो है कि यहाँ पर हाईएस्ट फॉल जो है यहाँ पर हुंडरू जलप्रपात है। यह कौन से नदी पर है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, ठीक है। उसके बाद एक नदी है, जलप्रपात है मोतीजरा, यह जो है मोतीजरा जलप्रपात जो कि अजय नदी पर है, याद रखेंगे मोतीजरा जलप्रपात जो है यह कौन से नदी पर है? अजय नदी पर है। चलिए आगे यहाँ पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी है? यानी यहाँ पे देखेंगे तो जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो शुरू किया गया था इसके तहत जो है कि पूछा जा रहा है कि इसकी जो उम्र सीमा है कितनी है, यानी कितने उम्र के लोगों को यह मिलेगा, यह योजना का लाभ मिलेगा, और उसमें आर्थिक सहायता जो है कि कितना प्रदान किया जाएगा। तो इसमें न्यूनतम उम्र जो रखा गया था 18 वर्ष, और जो आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा वह 30,000 जो है कि किया जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहन करने हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? तो चलाई जा रही योजना का नाम है कौशल, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, ढाल विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो ढाल विद्रोह था जो कि 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसके बारे में बताना कि कौन सा कथन जो है कि वह सही है। जैसे ऑप्शन ए में है, यह विद्रोह 1767 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया, ये भी सही है। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। यानी यहाँ पे तीन ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है ये तीनों ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, सदानों का मुख्य भोजन क्या है? यानी जो सदान लोग होते हैं उनका मुख्य भोजन पूछा जा रहा है। तो सदान का जो यहाँ पे देख रहे हैं उनका मुख्य भोजन है वह चावल होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, नीचे दिए गए विभिन्न विकल्पों में
कौन सा एक सत्य नहीं है, यानी चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सत्य नहीं है इसके बारे में बताना है। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हुल विद्रोह, जिसे संताल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1855-56 ईस्वी में यह हुल विद्रोह हुआ था, यानी संताल विद्रोह, और इसका नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे वह मुर्मू भाइयों के द्वारा, यानी कि सिद्धू कानू और चांद भैरव, यानी यहाँ पे जो है इनके द्वारा जो है कि यह विद्रोह किया जाता है, जिसमें ज़्यादातर योगदान जो है सिद्धू कानू का रहता है। तो यहाँ पे तिलका मांझी दिया गया, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसके बाद यहाँ बात करें सपाहोड़ आंदोलन, तो सपाहोड़ आंदोलन जो कि 1858 से 1895 तक चला था, ठीक है ना, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वह कौन थे, तो यहाँ पे लाल हेम्ब्रम थे। कौन? लाल हेम्ब्रम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें खरवार आंदोलन, खरवार आंदोलन कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में, जो कि जिसका नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे भागीरथ मांझी। किसके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था? भागीरथ मांझी जी के द्वारा। और यहाँ पे जो डी ऑप्शन देख रहे हैं कुलगुलान विद्रोह, जो कि 1895 से 1900 ईस्वी तक जो है यह कुलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो है कि किया गया था। तो यहाँ पे जो तीन ऑप्शन देख रहे हैं बी सी एंड डी, ये सभी जो है कि सही है, लेकिन ये जो संथाल विद्रोह जो है यहाँ पे तिलका मांझी ना होकर सिद्धू कानू राणा चाहिए था। सो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है के बारे में पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करें छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। तो फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होना चाहिए ये जो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है इसकी इसका जो गठन किया गया था वह 1933 ईस्वी में किया गया था, जिसमें कि प्रथम महासचिव जो हैं इग्नेस बेक को बनाया गया था, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वह बोनीफेस लकड़ा थे। याद रखेंगे बोनीफेस लकड़ा जो प्रथम अध्यक्ष थे और प्रथम महासचिव जो थे वह इग्नेस बेक थे, और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1933 ईस्वी में, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए में है जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। झारखंड पार्टी के ऑप्शन बी में है झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली। ऑप्शन सी झारखंड पार्टी प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरी, और ऑप्शन डी है इनमें सभी सही है। तो कौन सा सही नहीं है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जयपाल सिंह जो है कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने, ये जो ऑप्शन है यह आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए इसका जो ऑप्शन यहाँ पे जो जयपाल सिंह ना होकर के कौन थे, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स उनका जो नाम था सुशील कुमार बोगे, ठीक है ना। सुशील कुमार बोगे जो थे वह विधानसभा के विपक्ष के नेता थे। कब के चुनाव में? तो 1952 का जो चुनाव हुआ था उसमें। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी, यानी कि बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जा रहा है। जब सरदार आंदोलन जब चल रहा था, इसका जब प्रथम चरण था, ठीक है, तो सरदार आंदोलन जब चल रहा था तो इसका समाप्ति के समय बिरसा की आयु पूछा जा रहा है 6 वर्ष। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 6 वर्ष। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सुमेलित करें, यानी कि उनका जो उपनाम है उससे जो है कि यहाँ पे सुमेलित करना है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दिसोम गुरु के नाम से जो है शिबू सोरेन को जाना जाता है, यानी शिबू सोरेन का जो उपनाम है वह दिसोम गुरु है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें छोटा नागपुर केसरी, ठीक है, तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो छोटा नागपुर केसरी के नाम से जो है राम नारायण सिंह को जाना जाता है, राम नारायण सिंह। आदि विद्रोह आपका हो जाएगा तिलका मांझी, और मरांग गोम के ये आपका हो जाएगा जयपाल सिंह। यानी यहाँ पे देख रहे हैं आप जो ऑप्शन दिया गया है, यानी फर्स्ट ए का जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 4, और फिर यहाँ पे
डी का आपका 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे देखेंगे 1 2, ठीक है, सॉरी 2 1 4 3, ठीक है, इन 2 1 और 2 1 4 3, तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं ए वाला जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चलिए आगे यहाँ पे बात करेंगे, पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में कौन है, यानी कि झारखंड की ऐसी कौन सी जनजाति है जो पशुपालन और चराई पर जो है कि आश्रित रहती है। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, संथाल, सबर, खरवार, उरांव, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरवार, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मुंडाओं में वधू मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो जो मुंडा लोग होते हैं उसमें वधू मूल्य को जो है गुणोंग टका के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे मुंडा में वधू मूल्य को किस नाम से, तो गुणोंग टका के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण एवं आजीविका परियोजना के तहत कितने एसटी बाहुल्य गांवों में निवास करने वालों 12.18 लाख परिवारों का सशक्तिकरण आजीविका संवर्धन किया जाएगा। तो 1790, ठीक है ना, कितने आदिवासी का, तो 1790, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे राज्यपाल राज्यसभा, राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं राज्यपाल जो होते हैं, पूछा जा रहा है कि राज्यपाल जो हैं वह राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन, जब राष्ट्रपति शासन जब राज्य में लग जाता है तो उस समय जो है कि राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार के प्रशासन में, ठीक है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी चैनपुर महल के, चैनपुर में जो महल है इसके कथन में कौन सा संबंध जो है कि सत्य कथन है। यह कोयल नदी के किनारे स्थित है, यह बिल्कुल सही है, इसका निर्माण चेरो राजा के राजपूत दीवान पुरनमल के वंशजों ने कराया था, यह भी सही है, यह मेदिनीनगर में स्थित है, पलामू का जो पलामू में एक जगह है मेदिनीनगर, वहाँ पर यह स्थित है। तो ये तीनों जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा नहीं है, यानी यहाँ पे झारखंड की जो चित्रकला है इनमें से प्रचलित प्रमुख रूपों में से कौन सा नहीं है। कोहबर चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, सॉरी जादूपटिया चित्रकारी, सोहराय चित्रकारी, कोहबर चित्रकारी, इनमें सभी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये जो है कि यहाँ पे नहीं को हटा दीजिएगा, यानी झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्रमुख रूपों में कौन सा है, तो ये सभी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो डी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन डी याद रखेंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, तो अगला प्रश्न यहाँ पे है, हैरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोक गीत है, यह निम्न में से किस प्रकार का लोक गीत है, ठीक है, यह किस प्रकार का लोक गीत है। तो यह धान की बुआई के समय गाया जाने वाला एक गीत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है, बिल्कुल सही है, यह एक सामूहिक नृत्य है, यह भी सही है, यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर उसके समाप्ति तक चलता है, यह भी सही है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है, युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पे जो युवा सांस्कृतिक मंच जो कि क्या है, एक झारखंड का एक नाट्य मंच है, और यह पूछा जा रहा है कि यह जो है कि झारखंड के किस जिले में यह स्थित है,
ये आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि यह जो युवा सांस्कृतिक मंच जो है यह झारखंड के रांची जिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जिला में यह स्थित है, याद रखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, यानी कि युवा सांस्कृतिक मंच जो है यह पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पे? तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में एक चक्रधरपुर जगह है, वहीं पर यह स्थित है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियाँ गाड़ कर पूजा करते हैं, यानी कि जो मुंडा आदिवासी होते हैं वह पूजा स्थल पर कर्मा का जो वृक्ष होता है कितने डाली को काटते हैं, काटकर गाड़ते हैं, और गाड़ने के बाद जो है कि पूजा करते हैं, तो दो डालियां, कितनी डालियां, दो डालियां, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन जो इसका ए हो जाएगा वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन जो है असत्य है, ये यहाँ पे आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए में है, संथाली जनजाति की भाषा संथाली है, ये बिल्कुल सही है। संथाली भाषा के तीन रूप पाए जाते हैं, ये गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा। संथाली अपनी भाषा को होड रोड अर्थात होड लोगों की बोली कहते हैं, और सभी कथन सत्य है। इसमें जो असत्य कथन को चुनना था तो ए और सी बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे बी जो है वह गलत ऑप्शन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो सहार होरो के लेखक कौन है, पोम्पो सहार एंड होरो, ठीक है ना, इसके लेखक कौन है, तो लोको बोदरा, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यह आपका सही हो जाएगा। यानी हो भाषा की एक नाट्य पुस्तक है जिसका नाम है पोम्पो सहार एंड और होरा, ठीक है, और यह जो पुस्तक है यह नाट्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो लोको बोदरा के द्वारा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि कौन सा ऐसा अभयारण्य है जो प्रवासी पक्षियों के लिए जो कि प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा उधवा पक्षी बिहार, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही हो जाएगा। और यह जो उधवा पक्षी बिहार है यह झारखंड के साहेबगंज जिला में स्थित है, कौन सा जिला में, साहेबगंज जिला में। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे जो तिलैया पक्षी बिहार है यह झारखंड के कोडरमा जिला में स्थित है, और यह चंद्रपुरा पक्षी बिहार यह जो बोकारो जिला में है, और ईचागढ़ पक्षी बिहार जो है यह सरायकेला खरसावां जिला में यह स्थित है, आप इसे भी याद रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन है गौतम बुद्ध अभयारण्य, महुआडार अभयारण्य, कोडरमा अभयारण्य, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे झारखंड का एक वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ पे विलुप्त भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु यह प्रसिद्ध है, और वह अभयारण्य है महुआडार अभयारण्य, जो कि लातेहार जिला में स्थित है, महुआडार अभयारण्य, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो लातेहार जिला में है। तो ऑप्शन बी इसका जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, यानी झारखंड का सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वह कौन सा है, सिंहभूम, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना आप लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका, सॉरी डी जो है सही है, सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, सिंहभूम। अगर छोटा, सबसे छोटा अगर पूछा जाए फ्रेंड, तो सबसे छोटा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र होता है वह आपका है चतरा, ये भी याद रखेंगे, कौन सा है संसदीय क्षेत्र सबसे छोटा, तो चतरा, और सबसे बड़ा जो है वह आपका सिंहभूम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस मिशन ने दो प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण किया है, यानी यहाँ पे बताना है कि कौन से मिशन के द्वारा जो है कि दो ग्रामीण स्कूलों का जो है कि निर्माण किया गया है। तो जैसे यहाँ पे एसपीजी मिशन है, रोमन कैथोलिक मिशन, गोसनर मिशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसपीजी मिशन जो है
इसके द्वारा दो प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का जो है कि निर्माण करवाया गया, ठीक है। याद रखेंगे कितने प्रकार के, तो दो प्रकार के, ठीक है, जिसमें कि बच्चे के लिए जो है कि दिवा पाठशाला है और काम करने वाले के लिए रात्रि पाठशाला, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उन लोग के लिए जो कि दिन के लिए पाठशाला है और जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए जो है कि वह रात्रि पाठशाला यानी कि रात के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। झारखंड अधिविद परिषद रांची यानी कि जैक कब अस्तित्व में आया, यानी कि जो जैक है वह अस्तित्व में कब आता है, तो झारखंड की स्थापना के बाद ही 26 दिसंबर 2003 ईस्वी को, देख रहे हैं यहाँ पे 26 दिसंबर 2003 ईस्वी को जो है जैक जो है कि अस्तित्व में आता है, ठीक है, याद रखना है। और यह कहाँ पर है, तो झारखंड के रांची में, यहाँ पे जैक जो है यह रांची में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि झारखंड का कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, तो वह आपका हो जाएगा लोहरदगा, कौन सा होगा, लोहरदगा हो जाएगा। इसके बाद अगर इससे अधिक थोड़ा अगर चलेंगे तो खुट्टी हो जाएगा, और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका सिमडेगा हो जाएगा, यानी कि सबसे कम पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जो जिला है वह लोहरदगा है, लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला पूछता है तो वह आपका आंसर में हो जाएगा रांची। याद रखेंगे न्यूनतम अगर पूछता है तो लोहरदगा, और अधिकतम अगर पूछता है, सर्वाधिक पूछता है, तो आपका हो जाएगा रांची। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो यहाँ पे तीन कथन बताए गए हैं, जैसे विजय नीलमणि खलको का संबंध एथलेटिक्स से है, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं, नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक हैं। इसमें से तीन ऑप्शन दिया गया है, तीन में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सही है, तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका जो डी आंसर हो जाएगा वह सही हो जाएगा, यानी कि विजय नीलमणि खलको का संबंध जो है एथलेटिक्स से है, और जो धर्मेंद्र तिवारी जो हैं यह तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं, तीरंदाजी के, और नरेंद्र सिंह जो हैं यह हॉकी के प्रशिक्षक हैं, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सूची एक को सूची दो के साथ सही सुमेलित कीजिए, यानी सूची एक को सूची दो के साथ मिलाना है, जैसे यहाँ पे खिलाड़ी हैं और उनका खेल जो है यहाँ पे कौन से खेल से संबंधित है। फ्रेंड्स आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगा खेल और खिलाड़ी से संबंधित, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा सुनील कुजूर, ये इनका संबंध हॉकी से है, दीप सेन गुप्ता इनका संबंध शतरंज से है, और बेम इनका संबंध जुडो से है, और सरबजीत खांडा इनका संबंध जो है वह ताइक्वांडो से है, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यहाँ पे देख रहे हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 26 मार्च 2000 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि 26 मार्च 2000 ईस्वी को जो है झारखंड के जो नए मुख्य सचिव हैं वह सुखदेव सिंह को जो है कि नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी जो सरहुल पर्व जो है कि झारखंड राज्य में मनाया जाता है और इसका जो है कि अन्य नाम पूछा जा रहा है, इसका सरहुल का जो अन्य नाम होता है वह बाहा पूर्व होता है, क्या होता है, बाहा पूर्व, ठीक है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी, यानी जब राज्य में देश में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय जो है कि जो ज़रूरतमंद वकील थे उन लोगों को जो है कि कितने रुपये की राशि जो है कि देने की घोषणा की गई थी, तो यहाँ पे 25,000 रुपया, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है, यानी एक हाथी का बच्चा को लाया गया है कहाँ पर, तो बिरसा जैविक उद्यान में, ठीक है, बिरसा जैविक उद्यान में, और इसका नाम जो है आनंद रखा गया है, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं सी जो है वह सही हो जाएगा, क्या रखा गया है, तो आनंद रखा गया है। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है और आज का ये लास्ट प्रश्न है, झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना किस क्षेत्र में है, डैम, झील, अभयारण्य, और डी में उपर्युक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी यहाँ पे डैम, झील और अभयारण्य ये सभी जो हैं झारखंड में इको टूरिज्म की काफ़ी संभावना जो है कि इन सभी क्षेत्रों में है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 40 प्रश्न, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और जो लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियोज़ जो है आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय झारखंड।